बाद से तो कोई मतलब नहीं रहेगा भाई, उसका उद्देश्य ये है कि वो डायलिसिस के लिए आया है, उसका डायलिसिस हो गया और उसके बाद आप क्या इससे लाभ यहाँ लोगों को मिलेंगे डायलिसिस का? एक्चुअली पहले से ही हमारे यहाँ ये चल रहा था, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने पहले ही संजीवनी का जो कंपनी है उसे एमओयू किया हुआ था और उसी के इम्प्लीमेंटेशन में जो ये यूनिट यहाँ इस्टेब्लिश की गई है। जैसा कि अभी मिस्टर चक्रवर्ती जी ने आपको बताया था कि जो जैसे भी हमारा करौली ज़िला है पिछड़ा क्षेत्र है और डायलिसिस की रिक्वायरमेंट क्योंकि पेशेंटों को देखते हुए पेशेंट को जयपुर ही जाना होता है जो कि एक उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन है और पर्सनल उसको देखते हुए काफ़ी परेशानी का वो था, तो पिछड़े हुए क्षेत्र में ये सुविधा का मिलना मरीजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और इसमें भी कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने और कंपनी ने जो एमओयू किया है उसमें फ्री हैं, चाहे वो बीपीएल हो, सीनियर सिटीजन्स हो, फीमेल्स हो और कुछ एज से रिलेटेड चिल्ड्रेंस का भी इसमें दिया हुआ है तो वो फ्री की है। बाकी पर विजिट 963 रुपये का इन लोगों ने जो किया है वो गवर्नमेंट से ऑलरेडी रेट अप्रूव्ड है। बाकी पीएमओ की तरफ से इन्होंने जो हेल्प मांगी थी उसमें इम्पोर्टेंट ये है कि कुछ दवाई से रिलेटेड इशू हैं, चाहे इंजेक्शन एरिथ्रोपोइटिन हो, तो हमारे यहाँ जो सप्लाई में नहीं है तो हम कोशिश ये करेंगे कि वो सप्लाई हम मंगाएंगे और इंश्योर करता हूँ, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इनको ये दवाइयाँ बाहर से हम किसी भी कीमत पर बाहर से नहीं मंगाएंगे और इन्हीं को उपलब्ध करवाएंगे। ब्लड से रिलेटेड इशू हैं तो ब्लड बैंक हमारी रन कर रही है, ब्लड बैंक से सारा कोऑपरेशन इनको हम देंगे, किसी भी स्तर पर हमारी तरफ से इनको कहीं भी कोई परेशानी नहीं आएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। किडनी की बीमारी अगर एक बार किडनी 90% से भी ज़्यादा फेल हो जाती है तो अपने को आरआरटी देनी होती है, आरआरटी में रेनल ट्रांसप्लांट और हेमोडायलिसिस आता है। हेमोडायलिसिस अगर किसी का शुरू होता है तो उसको हफ्ते में 2 या 3 बार डायलिसिस कराना पड़ता है। मरीजों के लिए जो स्पेशली करौली या करौली के आसपास के मरीज हैं इनको अभी तक जयपुर जाना पड़ता था डायलिसिस कराने के लिए, आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, इसके अलावा और भी कई परेशानियां होती हैं मरीज को। तो करौली में अगर ये यूनिट डल जाएगी तो आसपास के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा, वो अपना रेगुलर डायलिसिस करा पाएंगे और उनका स्वास्थ्य